अच्छी प्रेगनेंसी कैरी ऑन कर सकें। अब एक बात और पूछना चाहेंगे, ऑपरेशन से पहले कितना डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा लग रहा था ना। ऑपरेशन के दौरान आपको पता चला कि ऑपरेशन हो रहा है और कोई दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी? नहीं। ऑपरेशन के बाद आपको लगा कि भाई कोई तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है? नहीं, हल्का सा, हल्का हल्की फुल्का सा, तो फिर पता चलेगा डेफिनेटली। अच्छा, आपका कल शाम को ऑपरेशन हुआ है जी। कहाँ से पहुँचे हो आप हमारे पास? शाहजहानपुर यूपी। शाहजहानपुर से। क्या तकलीफ हो रही है आपको? बच्चा नहीं लग रहा है। बच्चा नहीं लग रहा? कितने जी साल हो गए शादी को? 5 साल। तो 5 साल से आपने कोशिश नहीं करी बच्चे की? कोशिश की थी पर इलाज लगा कराया था? इलाज करा रहे हैं। 5 साल तो इलाज लिया होगा? 5 साल नहीं लिया, 1-1.5 साल हुआ एक फिर डेढ़ इलाज साल हो गए, लिया लेकिन एक जी। डेढ़ साल में कोई सफलता नहीं मिली। नहीं, तो फिर जयपुर कैसे पहुँचे आप? किसके रेफरेंस से आए? जयपुर किसी डॉक्टर ने बताया था, नाम नहीं याद है मुझे अच्छा उनका अच्छा किसी के रेफरेंस से, डॉक्टर के बताने से पहुँचे। जी। तो आपको क्या तकलीफ बताई गई जयपुर में, कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्यों बच्चा नहीं लग रहा? वो सिस्ट की वजह से, सिस्ट कहाँ पे? ओवरी में। ओवरी में सिस्ट है, उसकी वजह से बच्चा नहीं लग रहा। एक कुछ आपके अंडे बनाने की शक्ति भी, एमएच भी कम आ रहा है ना आपका, यस मैम, ये उसकी भी वजह से कम है। अंडे नहीं बन पा रहे हैं। यस मैम। तो आप समझेंगे कि इनको बेसिकली अंडे दाने के पास में जो नली होती है उसके अंदर पानी भर गया था, जिसकी वजह से बच्चा लगने में तकलीफ़ आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ की नलियाँ इनकी ब्लॉक है और इसलिए इनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और इसीलिए इनका IVF प्लान किया गया है। और IVF प्लान करने से पहले जब भी नली के अंदर पानी होता है या आसपास के हिस्से में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसे ठीक किया जाता है, जिसे डीलिंकिंग ऑफ ट्यूब बोलते हैं। तो इनके दोनों तरफ इनकी जो नली है उसको हमने डीलिंक किया है ताकि इनका आराम से IVF सक्सेसफुल हो सके। साथ ही साथ दूरबीन की भी जाँच करी गई है, जिससे कि अंदर का जो कैविटी है उसको एनहांस किया जा सके या उसकी कैविटी को बड़ा किया जा सके और उसे स्टिमुलेट किया जा सके, जिससे कि जहाँ जो बच्चा इम्प्लांट होना या बच्चा लगना है वो और अच्छे से ग्रो कर पाए, एंडोमेट्रियम का लेयर का थिकनेस बढ़ पाए और प्रेगनेंसी का सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो सके, जिससे कि आगे आराम से एक अच्छी प्रेगनेंसी कैरी ऑन कर सकें। अब एक बात और पूछना चाहेंगे, ऑपरेशन से पहले कितना डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा लग रहा था ना। ऑपरेशन के दौरान आपको पता चला कि ऑपरेशन हो रहा है और कोई दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ हो रही है? नहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी? नहीं ऑपरेशन के बाद आपको लगा कि भाई कोई तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है? नहीं हल्का सा, हल्की हल्का सी फुल्का टीस सा, ही तो तो फिर पता चलेगा लगता डेफिनेटली। है। अच्छा, बाकी आपका कल शाम को ऑपरेशन हुआ है जी मैम। और अभी अपने सुबह के 9 बजे हैं, और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। घूम फिर के आए हो आप, उठ के चक्कर लगा के आए हो? यस मैम, लगाया कितने चक्कर चक्कर, लगा लिए? 3 चक्कर तीन चक्कर लगाए लगा लिए। चाय जी। बिस्किट कुछ खाया है? हाँ, चाय पी है। कुछ उल्टी जैसा महसूस हो रहा है? नहीं, उल्टी पेट में जैसा कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, और अभी टांकों में कोई इस प्रकार का दर्द महसूस हो रहा है? हल्का सा, हल्का हल्की सी फुल्का, टीस सी है जरा सी, जैसे उठते बैठते हल्का। तो हल्की हल्की सी होती अच्छा, है। वो तो अभी जैसे अब आपकी पट्टी हमने चेंज कर दी, तो आप देखेंगे तो पट्टी जो करी है वो वाटर प्रूफ ड्रेसिंग है, जिससे कि आराम से आप बॉडी शावर ले सकते हो, पूरा नहा सकते हो। और अब आपको आगे आज के बाद कोई परहेज़ नहीं रखना, नहाना धोना खाना पीना घूमना फिरना आपको सब कुछ अलाउड है। आप नीचे बैठ सकते हो, सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हो और पूरा पेट भर के खाना खाना है आपको, और दलिया अच्छा, खिचड़ी नहीं खाना है। दलिया खिचड़ी नहीं खाना जी? हाँ, ठीक दलिया है। खिचड़ी नहीं खाना है। दलिया में आप सब्जियां डाल के खा सकते हैं, यानी वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं, उपमा खिचड़ी वेजिटेबल खिचड़ी ये बना सकते हैं। दही ज़रूर खाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑपरेशन के बाद हम समझते हैं कि खटाई नहीं खानी है या दही नहीं खाना है या सर्दियाँ हैं तो दही नहीं खाना है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे करके आप दही खा सकते हैं, इससे आपका पेट ठीक रहेगा। पानी 3-4 लीटर पीना है यस और मैम। पेट भर के खाना खाना है। दिन में एक फ्रूट्स खाने हैं, जूस लेना है, सूप लेना है, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं और सभी घूमते फिरते मतलब रहना। सारे ड्राई फ्रूट्स थे, हाँ, बादाम सारे ड्राई फ्रूट्स आप खा सब कुछ, सकते हैं। अंजीर हाँ, भी। अंजीर खा सकते हैं ना आराम से, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सब में अपने अपने गुण होते हैं, अखरोट में अलग होते हैं, बादाम में अलग होते हैं, काजू में अलग होते हैं, किशमिश में अलग होते हैं, तो थोड़े थोड़े आप बदल के भी खा सकते हैं। आज बादाम खाया, कल अखरोट खाया, परसों ये खाया, या दो 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 सब मिक्स करके भी आप खा सकते हैं, जैसे भी ठीक आपको ठीक अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। 1 ग्लास रोज सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, एक फल दूध खा वगैरह सकते नहीं हैं। पी सकते? दूध नहीं पी सकते? दूध भी पीना है ना, सुबह नहीं शाम पीते? दूध अच्छा पीजिए आराम अच्छा से, सब कुछ खाना पीना है ताकि बढ़िया से रिकवरी हो जाए और बढ़िया से आप बच्चे को जन्म दे सको, आगे प्रेगनेंसी कैरी ऑन कर पाओ। ताकत तो चाहिए मैम। ना। यस मैम। और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको कुछ नो पूछना मोर चाहेंगे आप सवाल, मैम, और कोई सवाल नहीं है, तो फिर आप बढ़िया हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अस्पताल में। बहुत अच्छा रहा। कोई तकलीफ हुई आपको अस्पताल में आने से नहीं, अभी तक? कोई तकलीफ नहीं हुई किसी की भी तरफ से, सब
सब एडमिशन वगैरह सब आराम से हुआ? हाँ। हमारी सिस्टर ने आपको अच्छे से टेक केयर किया? सिस्टर हाँ। की कोई शिकायत करनी है तो कर दो। नहीं, कोई शिकायत नहीं, सभी सिस्टर सही है। सभी ये भी देखो, आप लोग शिकायत करोगे जब हम इनको वो करेंगे, दुरुस्त करेंगे फिर। शिकायत तो करेंगे ना जब हमें कोई परेशानी होगी, तो हमें परेशानी नहीं तो क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम उसे दुरुस्त भी नहीं कर पाएंगे। तो आज आपकी हम छुट्टी कर देंगे, ठीक है? जब छुट्टी का पर्चा मिलेगा उसमें आपको सारी दवाइयाँ लिख के देंगे। 7 से 10 दिन के बीच में आपको एक बार वापस आके दिखाना होगा, ठीक है? टांके जो लगाए हैं वो घुलने वाले लगे हैं, लेकिन फिर भी एक बार टांके में देखने होते हैं, इसलिए आपको बना 8-10 दिन के अंदर फिर आना होगा। हाँ, एक बार आना, ठीक है? ठीक है।